इंडिया बन जिसे इतिहाद और मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सोहद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त पूरी टीम के साथ खासतौर पर हैदराबाद की सरजमीन में लोगों को डोर टू डोर यानी लॉकडाउन में जो खाने पीने की तकलीफ ना हो, खाने पीने का दिक्कत ना हो, ऐसे घरों और परिवारों में जाकर के वहां पर फूड पैकेट वितरण कर रहे हैं। सीधे तस्वीर हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हैदराबाद के टीम का दिखा रहे हैं और बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सोहद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद में कोरोना और महामारी को रोकथाम के लिए और साथ ही साथ लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए जो सुविधाएं कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं कि ये जो राशन किट है वो MIM के कार्यकर्ता डोर टू डोर पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी काम है इस वक्त, क्योंकि जहां पर कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए ये बहुत कारगर उपाय है। आपको बता दें कि रोज़मर्रा जिंदगी गुजारने वाले लोग जो रिक्शा चलाते हैं, जो ठेला चलाते हैं, या लोग जो लोग रोज़ कमाते हैं और खाते हैं, ऐसे लोग जो है भूखा नहीं रहे। ख़ासतौर पर हैदराबाद में इस तरह से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की टीम के जो सदस्य हैं, वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो पार्षद हैं, वो लोग डोर टू डोर जा कर के राशन पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। इस वक्त की जो है तस्वीर जो देख रही है वो दिगर सियासी पार्टियों के लिए एक मिसाल है, जहाँ देश में अलग अलग सियासी पार्टी है और सियासी जमात है, लेकिन आपको बहुत ही कम सियासी जमात ऐसे मिलेंगे जो इस कोरोना महामारी को और लॉकडाउन के पालन को रखने के लिए जहाँ पर लोगों को सुविधा दे। आपको बताते चलें कि जहां पर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जो बिहार में भी विधायक है वहां पर ऑक्सीजन की सुविधा दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि औरंगाबाद में एम्बुलेंस ऑक्सीजन की सुविधा दे रहे हैं, तो वहीं हैदराबाद में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के टीमों का काम को आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल बैरिस्टर सोहद्दीन ओवैसी का जो प्रयास है वो सराहनीय है और यहाँ के लोगों के लिए जो है बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। दिगर सियासी पार्टी हो या कोई सरकार हो, जहाँ इस वक्त जो है नाकाम साबित हो रही है सरकार, हर महज पर फेल है, वही मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सोहद्दीन ओवैसी साहब करके दिखाते हैं। हैदराबाद में महज छोटी पार्टी इस वक्त हैदराबाद में सरकार पर भी भारी नजर आ रही है। इस वक्त हैदराबाद में स्वास्थ्य व्यवस्था को वो जहां दुरुस्त किए हैं, तो वही आम लोगों का ख्याल रखने के लिए लगातार उनके घरों में राशन किट पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी बात है, यह खासतौर पर कोरोना महामारी में इस जंग को लड़ने के लिए। आपको बता दें कि इस तरह से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जो काम कई दिनों से मुसलसल जारी है और इसी का तस्वीर आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको हम ये भी बताएंगे कि बिहार में इस वक्त मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का जो है किस तरह से काम को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि बिहार से बड़ी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जिस तरह से देश में अभी ऑक्सीजन का हाहाकार है, लेकिन मजलिस के जहाँ जहाँ विधायक हैं वहाँ पर मजलिस के विधायकों ने ऑक्सीजन का व्यवस्था कर दिया है, वहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है। अब हैदराबाद से खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन का व्यवस्था यहाँ पर है, वेंटिलेटर भी व्यवस्था है, स्वास्थ्य सुविधाएँ भी बेहतर है, लेकिन खाने पीने के लिए लोगों के लिए नज्म भी है। और साथ ही साथ बता दें कि बैरिस्टर सोहद्दीन ओवैसी साहब अपने टीम के साथ लगातार राशन डोर टू डोर पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोगों के लिए जो है ना काम आ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से औरंगाबाद से भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर एम्बुलेंस सेवा, ऑक्सीजन सेवा ये सारे दे रही है। अब और दीगर सियासी पार्टियों के लिए बड़ी सवाल खड़ा हो रहा है कि जहाँ पर कोरोना महामारी में सारे सियासी पार्टी अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे पर सिर्फ तंज कर रहे हैं, जहां पर सरकार पर सिर्फ तंज कर रहे हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सोहद्दीन ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं और साथ ही साथ सरकार पर भी वो निशाना साध रहे हैं। आपको सीधे तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जो हैदराबाद में पार्टी है और वो पार्टी वहां पर
क्या काम कर रही है। अगर पूरे देश में इस तरह से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो विचारधारा से चले और साथ ही साथ जो है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लोग वहाँ पर जीते तो किस तरह का माहौल होगा और लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुँचेगा। फिलहाल हम रुख करेंगे बिहार की तरफ, जहाँ पर बिहार में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पाँचों विधायक इस वक्त ऑक्सीजन की व्यवस्था लोगों को कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करा रहे हैं और साथ ही साथ सरकार के जो हेल्थ सिस्टम को सुधारने में लगे हैं। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की बिहार टीम है, जो बिहार टीम काम कर रही है वो आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से बिहार में काम कर रही है। मजलिस के पांच विधायक के इस वक्त बिहार में जो काम हो रहा है, खासतौर पर कोरोना महामारी भी है और साथ ही साथ बिहार में लॉकडाउन भी है, लेकिन सवाल ये बनता है कि कोरोना महामारी में क्या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन किस तरह से काम कर रही है, ये हम आपको जानकारी देंगे और साथ ही साथ ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि और भी सारे दल यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पांचों विधायक हैं उनका पहला काम आपको हम बता दें कि जहां पर देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत है, या आप सभी वाकिफ हैं कि इस वक्त जो है ऑक्सीजन पर मारामारी हो रहा है, ऑक्सीजन लोग खरीद रहे हैं, बड़े पैसा ले रहे हैं, उसका ब्लैकमेल हो रहा है, ये खबरें आ रही हैं। लेकिन आप बिहार आ जाइए और बिहार के सीमांचल, खासतौर पर सीमांचल के उस विधानसभा में आइए जहाँ पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के विधायक है, वहां पर आपको बहुत आसानी से ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगा, बिल्कुल फ्री में होगा और आपको एक पैसे भी नहीं लगेगा, ये तो हम आपको पूरे गारंटी के साथ बता रहे हैं। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि कोचाधामन के विधायक इजहार आसफी साहब इस वक्त ऑक्सीजन मुहैया कोचाधामन विधानसभा में कर रहे हैं, तो वहीं आपको अमोर विधानसभा में अमोर विधानसभा के विधायक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर इमान साहब भी कर रहे हैं, तो उधर बैसी विधानसभा के एमआईएम के विधायक रुकमुद्दीन साहब भी कर रहे हैं, तो बहादुरगंज विधानसभा से अंजार नेमी साहब भी इस वक्त काफी लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। अररिया जिला से हम बात करें जो की विधानसभा से शाहनवाज साहब भी लोगों को ऑक्सीजन व्यवस्था कर रहे हैं, तो जहां ऑक्सीजन की किल्लत थी और लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे और कुछ लोगों का बाहर से कुछ खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इस वक्त सीमांचल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की व्यवस्था दिखाई दे रहा है। हालांकि जो लोग ऑक्सीजन के लिए जा रहे हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के विधायक उसे घर पहुंचा रहे हैं, और साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो पांच विधायक हैं इस तरह से काम कर रहे हैं, ऐसा लगो कि यहाँ पर उसे ऑक्सीजन के लिए वो उम्मीद की किरण है और ऑक्सीजन की जिस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। फिलहाल जो है अगर आप बात करें कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अमोर विधानसभा में, तो अमोर विधानसभा में लगातार बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर इमान साहब जो अमोर विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने खासतौर पर जो गांव और कस्बों के जो पीएससी और छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं उन स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें गुज़िश्ता कल जो है सिरसी गांव जहां पर कांग्रेस के विधायक लगातार 30 वर्षों से थे और वहां पर खुद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के विधायक पहुंचे और वहां पर न डॉक्टर थे न स्टाफ थे, ऐसा लगा कि वहां पर अस्पताल भूतखाना में तब्दील था, लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के विधायक अमोर विधानसभा के जनाब अख्तर इमान साहब पहुंचने के बाद वहां पर आधिकारिक से संपर्क की और साथ ही साथ वहां पर डॉक्टर मुहैया किए और मजबूर होकर के डॉक्टर वहां पर अब उस अस्पताल में आ रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को अब वहां पर फायदा मिल रहा है। तो ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पे जो लोग जो है तरह तरह के इंतजाम लगा रहे थे, खासतौर पर जो है लोग कह रहे थे कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन किस तरह का विकास करेगी, तो ये अभी जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ जो विधायक हैं यहाँ पर जो इस कोरोना महामारी के जंग को लड़ रहे हैं, ये काम बहुत ही सराहनीय और फायदेमंद साबित हो रहा है। आपको बताते चलें कि एक तरफ जारासपी साहब एम्बुलेंस सेवा दे रहे हैं ऑक्सीजन की किल्लत ना हो इसके लिए, पूरा पीएससी
में संपर्क में बने हुए हैं, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो यहाँ पर, उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ लगातार वो यहाँ पर जो है कोरोना के लोगों को वैक्सीन लगे इन पर जागरूकता फैला रहे हैं, कोरोना की जांच हो इनके लिए लोगों के अंदर जागरूकता फैला रहे हैं। बात यह है कि यहीं तक महदूद नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद की टीम की बात करें तो लगातार औरंगाबाद की टीम वहां पर मजलिस के जो सांसद हैं जनाब इम्तियाज अलील साहब वो लगातार सुर्खियों में हैं और साथ ही साथ कुछ दिन कबल उन्होंने एम्बुलेंस सेवा वहां पर शुरू की है और फ्री सेवा वहां के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। अब वहां पर जो है कोविड को रोकथाम के लिए पूरा प्रयास जारी है।